हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पतंजलि केशकांति हर्बल मेहंदी का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये पतंजलि केशकांति हर्बल मेहंदी है जो हमारे बालों को शाइनी एंड स्मूथ एंड हेल्दी एंड नेचुरल लुक देता है। ये पतंजलि प्रोडक्ट की बिना केमिकल वाली हर्बल मेहंदी है। आजकल मार्केट में मेहंदी के नाम से बहुत सारी केमिकल्स वाली मेहंदी बाजार में अवेलेबल है जो हमारे बालों के लिए हानिकारक हो सकती है। पतंजलि केशकांति हर्बल मेहंदी के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो भी देखी है और काफ़ी सुना है कि ये 100% नेचुरल है, तो मैंने सोचा कि इसका इस्तेमाल करके मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूं। ये 100 ग्राम के पैकेजिंग में आता है। इसकी प्राइस है 35 रुपये। पतंजलि केशकांति हर्बल मेहंदी 10 जड़ी बूटियों से बनाई गई है। यह प्राकृतिक रूप से बालों को रंग देती है और बालों को नेचुरल तरीके से स्ट्रांग बनाती है। यह मेहंदी बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है और हेयर फॉल को कम करती है एंड सिर को ठंडक प्रदान करती है। इसमें है आंवला जो कि एक मैजिक इफेक्ट देता है जो बालों की जड़ को काला करने में हेल्प करता है और बालों को सफ़ेद होने से रोकने में भी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल जड़ों से काले हो तो आपको डेली आंवला जूस भी पीना चाहिए। इसमें है मेथी जो आपके बालों को गिरने से बचाने में हेल्प करता है। इसमें शिकाकाई ऐड है जो हमारे बालों को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। साथ ही इसमें भृंगराज मिक्स है जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें मिक्स है नीम जो हमारे बालों को डैंड्रफ से बचाता है। इसमें मिक्स है कत्था जो हमारे बालों को नेचुरल कलर लाने में हेल्प करता है। इसमें मिक्स है चाय पत्ती जो हमारे बालों को नेचुरल चमक देता है। इसमें मिक्स है कलौंजी जो हमारे हेयर लॉस को कम करती है। मेहंदी आपको आपके बालों की लेंथ के हिसाब से आपको भिगोनी है और जो बची हुई मेहंदी है वो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर सकते हो ताकि आप दूसरी बार भी इस्तेमाल कर सके। मेहंदी भिगोने के लिए आप एक लोहे का बर्तन ले लीजिए। जितनी मेहंदी आपने ली है उससे 4 गुना ज़्यादा पानी लेना है आपको। आप चाहे तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो। पानी मिक्स करते जाइए और स्पून की हेल्प से पानी और मेहंदी दोनों को मिक्स करते जाइए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे 12 घंटे के लिए ढक कर इसे रख सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसे ढक कर 4 घंटे तक भी रख सकते हो। मैंने 4 घंटे तक इसे ढक कर रख दिया था। 4 घंटे के बाद मैंने देखा तो मेहंदी का कलर काफ़ी चेंज हो चुका था, आप खुद ही देख सकते हो, और पेस्ट बहुत ही स्मूथ तैयार हो चुकी है। मेहंदी बालों में अप्लाई करने से पहले बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर आपके हेयर में ऑयल है तो आप हेयर वॉश करके बालों को ड्राई करके फिर मेहंदी अपने बालों में अप्लाई करें। आप मेरे हेयर देख सकते हो, मेरे हेयर में कुछ कुछ ही ग्रे हेयर है, यानी मेरे बालों में सफ़ेद बाल बहुत ही कम है। ये पतंजलि केशकांति हर्बल मेहंदी है, इसमें कोई भी केमिकल्स मिक्स नहीं है, तो इसमें जो कलर है वो लाइट ही आता है। मेहंदी अपने बालों में अप्लाई करने से पहले अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप वो अपने हाथों में पहन लीजिए। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप पॉलीथीन बैग भी पहन सकते हो। फिर अपने बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। फिर थोड़ी थोड़ी मेहंदी हाथों में लेकर अपने बालों में अप्लाई करें। अगर आपको पूरे बालों में मेहंदी अप्लाई करनी है तो आप एक जूड़ा बनाकर भी बालों में मेहंदी अप्लाई कर सकते हो। मैंने पतंजलि हर्बल मेहंदी के और भी रिव्यू दिए हुए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो आप चेकआउट कर लीजिए। पतंजलि केशकांति हर्बल मेहंदी का रिव्यू मेरा आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई करने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए, यानी आप 30 मिनट या 1 घंटे तक बालों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी या फिर शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। मेरे बालों में मेहंदी लगाए हुए 1 घंटा हो चुका है और मैंने नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लिया है। आप चाहो तो आप अपने बालों को शैम्पू से भी वॉश कर सकते हो। मेरे बालों का कलर आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें लाइट ही कलर आता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं है। अगर आप इस हर्बल मेहंदी का इस्तेमाल रेगुलर करोगे तो आपके जो ग्रे हेयर धीरे धीरे नेचुरल रंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप यह हर्बल मेहंदी महीने में 2 या 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट में वीडियो को एक लाइक जरूर करें।